नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है मोटो एच 40 नियो 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करोगे उसके तुरंत बाद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप बेहतर तरीके से अपने फोन को यूज करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो आइए दोस्तों, चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। इस फोन में आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर। तो अगर आप इस फीचर को अपने फोन में यूज करना चाहते हो तो आपको जाना है सेटिंग्स में, होम एंड लॉक स्क्रीन में, और नीचे यहां पे आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, जंप टू लॉक स्क्रीन, आपको इसे ओपन करके इसे ऑन करना है। इसके अलावा पुट द डिस्प्ले टू स्लीप, इसे भी ओपन करके इसे ऑन कीजिए। आप अपने फोन में व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो बिना किसी आपको डाउनलोड किए। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशंस में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ओपन करके आपको इस टॉगल को ऑन करना है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने इन मैसेज को डिलीट किया है लेकिन मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या थे। तो अगर मुझे इन्हें रीड करना हुआ तो मुझे जाना होगा सेम सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन लास्ट 24 आवर का, इसमें होगा व्हाट्सएप और यहाँ पे होगा एरो का बटन, उस पर टैप कीजिए। आप देख पाओगे टाइम के साथ आपको मैसेज शो करेंगे कौन सा मैसेज क्या गया था डिलीट, आप यहाँ पे उन्हें रीड कर पाओगे काफी आसानी से। इस फोन में आपको मिलता है 32 MP का फ्रंट कैमरा और 50 MP का बैक कैमरा, लेकिन अगर आप फ्रंट से कोई भी फोटो क्लिक करोगे तो कैप्चर होती है 8 MP में, और बैक से कैप्चर करोगे तो कैप्चर होती है 12.6 MP में। लेकिन अगर आपको अपने फोन में हाई क्वालिटी फोटो कैप्चर करनी हुई, मतलब कि फ्रंट से आपको 32 MP की फोटो कैप्चर करनी है और बैक से आपको 50 MP की फोटो कैप्चर करनी है, तो उसके लिए आपको जाना है कैमरा ऐप में। 50 MP की फोटो कैप्चर करने के लिए आपको जाना है मोर में, और यहाँ पे होगा 50 लिखा हुआ, आपको इस पर टैप करना है और आप जो भी फोटो क्लिक करोगे इस मोड में वो कैप्चर होगी 50 MP में। फ्रंट कैमरा के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फोटोज में, और यहाँ पे होगा फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन, इस पर टैप कीजिए और आपको सेट करना है हाई पे। इसके बाद आप फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करोगे तो कैप्चर होगी 32 MP में। इस फोन में आपको मिलता है बोके वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब कि आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड को ब्लर करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है वीडियो मोड में, और यहाँ पे होगा एक आइकन पोर्ट्रेट का, आपको इस पर टैप करना है। और अब ये है बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन, तो आपको कितना ब्लर लेवल सेट करना है, अगर आप ज्यादा सेट करोगे मतलब कि ब्लर लेवल ज्यादा होगा, बैकग्राउंड ज्यादा ब्लर करेगा, अगर आपको कम करना है तो कम पे सेट कीजिए। आप जब भी किसी भी ऐप या वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड को एंटर करते हो तो आपने गौर किया होगा पासवर्ड को एंटर करने पे जो पासवर्ड के लेटर है कुछ मोमेंट के लिए शो करते हैं इस तरीके से, तो अगर बगल में कोई बैठा होगा तो जान जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। तो अगर आप चाहते हो ऐसे लेटर शो ना करे तो आप इन्हें हाइड कर सकते हो हमेशा के लिए। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, प्राइवेसी में, प्राइवेसी कंट्रोल में, और यहां पे है शो पासवर्ड, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप पासवर्ड को एंटर करोगे तो जो पासवर्ड के लेटर है अब आपको शो नहीं करेंगे, आप देख सकते हो अब आपको यहां पे शो करेंगे केवल डॉट्स एंड डॉट्स। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते। अगर बात करेंगे प्ले स्टोर की तो आपको यहाँ पे रिसेंट में मिलता है ऑप्शन स्प्लिट टॉप का, मतलब कि आप इसे ओपन कर सकते हो मल्टी विंडो में इस तरीके से ऊपर नीचे। लेकिन बात करो कि अगर आप कैमरा ऐप की या फिर डॉल्बी एटमोस की, तो यहाँ पे आपको मल्टी विंडो का कोई भी ऑप्शन शो नहीं करेगा, आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो सभी ऐप्स आपके फोन में मल्टी विंडो सपोर्ट करे तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, सबसे नीचे होगा बिल नंबर, आपको इस पर लगातार 7 times टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपको जाना है सिस्टम में, और यहाँ पे आपको मिलेगा नया ऑप्शन जो है डेवलपर ऑप्शंस, आपको इसे ओपन करना है। नीचे आइए, नीचे आकर आपको 3 options को ऑन करना है। सबसे पहले ऑन कीजिए फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इसके बाद इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो, और एंड में इनेबल फ्रीफॉर्म विंडोज। फिर आपको करना है रिबूट नाउ, आपके फोन को करना है रिस्टार्ट। तो फोन रिस्टार्ट हो चुका है। अब जो एप्स पहले मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते थे वो भी एप्स अब सपोर्ट करेंगे, जैसे कि डॉल्बी एटमोस। अगर आप इसे ओपन करोगे रिसेंट में तो यहाँ पे पहले ये मल्टी विंडो का ऑप्शन शो नहीं होता था स्प्लिट टॉप, लेकिन अब यहाँ पे ये शो करेगा और आप इसे इस तरीके से ऊपर नीचे भी यूज कर पाओगे। कई सारे यूजफुल टॉगल्स यहाँ पे अभी भी मिसिंग है, तो अगर आप सभी क्विक टॉगल को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आपको पेंसिल के आइकन पे टैप करना है, नीचे आना है, और यहाँ से आप सभी क्विक टॉगल को ऐड कर पाओगे। जैसे कि डार्क थीम, आप ज्यादा यूज करोगे इसे तो आपको लॉन्ग टैप करके ट्रैक करना है इसे। इसके अलावा डेटा सेवर है, एक्स्ट्रा डीम है, तो जो भी ऐड करना चाहते हो लॉन्ग टैप करके आप उसे ट्रैक कीजिए। इसके अलावा NFC का टॉगल यहाँ पे पहले से ऑन होगा, आपको इसे ऑफ करना है। NFC जब आप यूज करोगे तभी आपको इसे ऑन रखना है। इसके अलावा ऊपर में अगर आपको यहाँ पे बैटरी लेवल शो करना है परसेंट में, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी में, और यहाँ पे होगा
बैटरी परसेंटेज आपको इसे ऑन करना है। अब आपको ऊपर में शो करेगा बैटरी लेवल। कई सारे एप्स ऐसे होते हैं जो डार्क मोड सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि अगर आप अपने फोन में डार्क मोड को ऑन करोगे फिर भी जो एप्स होंगे डार्क मोड में शो नहीं करेंगे, जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट। आप देखोगे अभी भी यहाँ पे अमेजोन लाइट मोड में शो कर रहा है, सेम तरीके से फ्लिपकार्ट भी लाइट मोड में शो करेगा। इन एप्स में डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता, तो अगर आप चाहें तो इन एप्स में भी डार्क मोड काम करे तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम में, डेवलपर ऑप्शंस में, नीचे आइए और यहाँ पे होगा ओवरराइड फोर्स डार्क, आपको इसे ऑन करना है। तो ये रहा ओवरराइड फोर्स डार्क, इसे ऑन कीजिए और जो भी एप्स आपने ओपन किए थे जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन उसे रिस्टार्ट कीजिए। इसके बाद अगर आप उन एप्स को ओपन करोगे तो उन एप्स में भी डार्क मोड शो करेगा। आप देख सकते हो अब ये जो ऐप है डार्क मोड में शो कर रहा है, सेम तरीके से जो फ्लिपकार्ट है वो भी डार्क मोड में शो करेगा। इस फोन में अगर आप चाहो तो किसी भी स्टिल वॉलपेपर को लाइव वॉलपेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें अलग अलग इफेक्ट्स को अप्लाई करके। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है वॉलपेपर्स में, लोक स्क्रीन पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड इफेक्ट्स का ऑप्शन, इस पे टैप कीजिए और यहाँ पे है पांच अलग अलग इफेक्ट्स जैसे कि जूम, स्वे, रिपल, ब्लर और ब्राइटनेस। ब्लर और ब्राइटनेस के लिए आप जो इंटेंसिटी है उसे भी यहां से एडजस्ट कर पाओगे और यहाँ पे आप जो वॉलपेपर है उसे रिसाइज कर पाओगे। आपको मूव एंड स्केल पे टैप करना है, फिर आप अपने हिसाब से पिंच इन पिंच आउट कर सकते हो कितना पोर्शन आपको शो करना है। मान लीजिए मुझे शो करना है या अप्लाई करना है रिपल को, तो मैंने किया रिपल, ओके करूंगा, टिक पे टैप करूंगा। होम एंड लॉक स्क्रीन दोनों के लिए सेट कीजिए। तो जब भी आप किसी भी पेज से होम पेज पे शिफ्ट करोगे आपको मिलेगा ये शानदार सा एनिमेशन, आप देख सकते हो ये है लाइव वॉलपेपर। इसके अलावा अगर आप अपने फोन को लॉक अनलॉक करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा ये लाइव वॉलपेपर इफेक्ट। इस फोन में पावर मेनू को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा अलग है, आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है। आपको मिलता है ये पावर मेनू जहां से आप अपने फोन को पावर ऑफ या फिर स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि अगर आप चाहो तो केवल पावर की पे लॉन्ग प्रेस करके भी इसे एक्सेस कर सकते हो, आपको दो बटन पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, जेस्चर्स में, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन और यहां पे आपको सेट करना है पावर मेनू पे। इसके बाद अगर आप पावर की पे करोगे लॉन्ग प्रेस तो आपको मिलेगा पावर मेनू, आप देख सकते हो आपको दो बटन पे प्रेस नहीं करना होगा। आप इस फोन में आइकन के शेप और साइज को चेंज कर सकते हो। आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है होम सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा आइकन साइज, आपको यहाँ पे मिलता है आइकन साइज को चेंज करने का ऑप्शन, स्मॉल स्मॉलेस्ट और यहाँ पे है लार्ज लार्जेस्ट। आपको जो भी साइज सेट करनी है सेट कीजिए, मैंने सेट किया अभी फिलहाल स्मॉल। अगर आपको शेप को चेंज करना हुआ तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, पर्सनलाइज पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा आइकन शेप, आपको इस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलता है पांच अलग अलग शेप, तो आपको जो शेप चूज करना है उस पे कीजिए सिलेक्शन और कीजिए सेव। तो आप देखोगे होम पेज पे और ऐप ड्रॉअर में आपको शो करेंगे ऐप आइकन सेम शेप में। जब भी आप अपने फोन को पिन से अनलॉक करते हो तो आपने गौर किया होगा पिन पैड पे जो नंबर होते हैं हमेशा फिक्स प्लेस पे होते हैं, इनका जो प्लेस है कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहो तो इस पिन पैड को स्क्रैम्बल कर सकते हो, मतलब कि जो आपका पिन पैड है शफल होगा, हर बार जब आप इसे ओपन करोगे नंबर्स आपके अलग अलग प्लेस पे शो होंगे। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, यहाँ पे होगा डिवाइस लॉक का ऑप्शन, एरो पे टैप कीजिए और यहाँ पे है स्क्रीन लॉक, गियर के आइकन पे आपको टैप करना है और यहाँ पे है पिन पैड स्क्रैम्बल, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर आप पिन पैड को ओपन करोगे तो आप गौर करोगे यहाँ पे जो नंबर है शफल हो चुके हैं, अलग अलग प्लेस पे जो नंबर आपको शो करेंगे हर बार। तो दोबारा अगर मैं पिन पैड को ओपन करूंगा अब यहाँ पे अलग प्लेस पे वो नंबर शो करेंगे। आप जब भी अपने फोन के डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम करोगे तो आपके फोन का डिस्प्ले फ्लिकर करेगा और ऐसे में अगर आप अपने फोन को ज्यादा यूज करोगे तो आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो डिस्प्ले में अब कोई भी फ्लिकरिंग नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नॉर्मल है। लेकिन जैसे मैं ब्राइटनेस को कम करूंगा, नाइट में आप ब्राइटनेस को कम करते हो तो जैसे मैंने मान लेते हैं ब्राइटनेस को कम कर दिया तो आप देखोगे डिस्प्ले आपका इस तरीके से फ्लिकर करेगा। तो अगर आप चाहते हो डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम करने पर आपका डिस्प्ले इस तरीके से फ्लिकर ना करे तो इसे रोकने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, फिर यहाँ पे होगा फ्लिकर प्रिवेंशन, आपको इसे ऑन करना है। आप देखोगे अगर मैं ब्राइटनेस को कम करूंगा अब मुझे कोई भी फ्लिकरिंग शो नहीं करेगा डिस्प्ले में, अब यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्ले शो करेगा। आप इस फोन में शॉर्टकट तरीके से काफी क्विकली किसी भी ऐप को मल्टी विंडो में ओपन कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे ओपन करना है प्ले स्टोर को स्प्लिट विंडो में, तो आपको इसे ओपन करना है, फिर आपको करना है इस तरीके से स्वाइप राइट में और लेफ्ट में और आपका इस तरीके से ऐप होगा मल्टी विंडो में ओपन, फिर आप नीचे किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो। तो काफी आसानी, बस आपको किसी भी ऐप को ओपन करके करना है राइट और लेफ्ट में स्वाइप इस तरीके से। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में,
जेस्टर्स में, और यहां पे होगा स्वाइप टू स्प्लिट, आपको इसे ओपन करके इसे ऑन करना है। इस फोन में आपको मिलता है एज लाइटिंग का शानदार फीचर, तो आपके फोन में अगर कोई भी कॉल आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको मिलेगा एज लाइटिंग इफेक्ट। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, पर्सनलाइज में, और यहां पे होगा नीचे एज लाइट, आपको इसे ओपन करना है और आपको कलर सेट करना है आपके हिसाब से। आप जो कलर सेट करोगे वो कलर आपको शो करेगा एज लाइटिंग में। और यहां पे है कॉलिंग के लिए, अलार्म के लिए और मैसेज के लिए, हालांकि आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। नीचे आपको मिलता है ये ऑप्शन शेड्यूल का, आपको इसे ऑन करना है। फिर आपको यहाँ पे टाइमर सेट करना है, मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया है रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, मतलब कि इस टाइम के दौरान ये जो फीचर है एज लाइटिंग का फीचर काम नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पे है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, तो आप जो एनिमेशन है उसे चेंज कर पाओगे। यहाँ पे है 3 स्टाइल्स, रेडियल वेव, बूमरैंग और क्रोमा डायल। मान लीजिए मैंने सेट किया है बूमरैंग, तो आपको मिलेगा इस तरीके से ये बूमरैंग एनिमेशन। अगर आप एक म्यूजिक लवर हो और आप अपने म्यूजिक में ज्यादा बेस को प्रीफर करते हो तो आपको इनेबल करना है बेस बूस्ट का डॉल्बी एटमोस। इसके अलावा जब भी आप अपने फोन में ईयरफोन का यूज करोगे तो आपको मिलेगा काफी बेहतर इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस। तो फोन में ऑडियो क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, साउंड एंड वाइब्रेशन में, यहाँ पे होगा डॉल्बी एटमोस, आपको उसे ओपन करना है। सेटिंग्स पे टैप कीजिए, कस्टम पे कीजिए सिलेक्शन, पेंसिल के आइकन पे टैप कीजिए, फिर आपको बेस बूस्ट पे करना है सिलेक्शन, और ये जो ऑप्शन है सराउंड का आपको उसे भी ऑन करना है। इसके बाद बैक जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे ऑप्शन स्पेशल साउंड का, आपको इसे भी ऑन करना है। इस फोन में आपको मिलता है क्विक लॉन्च का फीचर जिसे कहते हैं बैक टैप, मतलब कि आप अपने फोन के बैक में डबल टैप करके अलग अलग एक्शंस और ऐप को ओपन कर पाओगे। जैसे कि अब यहाँ पे सेट किया गया है वॉइस रिकॉर्डर, लेकिन आप यहाँ पे अपने हिसाब से किसी भी ऐप या एक्शंस को असाइन कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, जेस्चर्स में, और यहाँ पे है क्विक लॉन्च, इसे ओपन कीजिए, इसे ऑन कीजिए, और यहाँ पे सेटिंग्स, इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग एक्शन जैसे कि रिकॉर्डर, ओपन रेडी फॉर प्ले पॉज म्यूजिक, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर, बैक टू होम, स्विच टू लास्ट ऐप और ओपन ऐप। अब मान लीजिए मैंने सेट किया है स्क्रीनशॉट पे, तो जैसे मैं करूंगा डबल टैप तो मेरे फोन में कैप्चर होगी स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो। अगर आपको डबल टैप करके किसी भी ऐप को ओपन करना है तो कीजिए ओपन ऐप पे सिलेक्शन, और आपको जो ऐप ओपन करना है डबल टैप करके उस पे कीजिए सिलेक्शन। मैंने किया है व्हाट्सएप को, तो मैं करूंगा डबल टैप तो मेरे फोन में ओपन होगा व्हाट्सएप, आप देख सकते हो। मान लीजिए आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है, और ऐसे में अगर आपको अपने फोन में जल्दी से कैमरा या टॉर्च को ओपन करना है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए है 2 शॉर्टकट। तो कैमरा को ओपन करने के लिए आपको करना है 2 बार ट्विस्ट अपने फोन को, इस तरीके से आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। अगर आपको टॉर्च को लॉन्च करना है तो आपको करना है 2 बार कराटे चॉप, इस तरीके से टॉर्च को ऑफ करने के लिए फिर से कीजिए 2 बार कराटे चॉप। तो इन दोनों फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, जेस्चर्स में, और यहां पे है नीचे ऑप्शन क्विक कैप्चर का, इसे ऑन कीजिए। इसके अलावा यहां पे है फास्ट टॉर्च, इसे भी ऑन कीजिए। इस फोन में आपको मिलता है साइड बार का शानदार फीचर, तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, जेस्चर्स में, और यहां पे होगा साइड बार, इसे आपको ओपन करके ऑन करना है। जैसे ही आप साइड बार को इनेबल करोगे आपको यहां पे मिलेगी एक लाइन, आपको उस पर करना है स्वाइप, यह है साइड बार। यहां पे आपको मिलते हैं 7 एप्स और यहां पे है ऑल एप्स का बटन भी, तो आप सभी एप्स को यहां से भी एक्सेस कर पाओगे। अगर आप किसी भी ऐप को यहां से ओपन करोगे तो ओपन होगा वो मल्टी विंडो में, मतलब कि इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो में। आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो ड्रैग करके कॉर्नर से, इस तरीके से आप इसे जहां पे चाहो पे मूव भी कर सकते हो और आप इसे क्लोज भी कर सकते हो, और यहां पे आप इसे चाहो तो नीचे या इस साइड में कर सकते हो। जो लाइन आपको शो कर रही है ऊपर में, आपको उस पर टैप करके इसे ड्रैग करना है किसी भी पोजिशन पे, आप इसे जहां पे चाहो पे प्लेस कर पाओगे, फिर आपको इस तरीके से यहां पे करना है स्वाइप। हालांकि आप यहां पे अपने हिसाब से कोई भी 7 एप्स को प्लेस कर सकते हो, आपको गियर के आइकन पे टैप करना है। सबसे पहले आपको किसी भी ऐप को रिमूव करना होगा माइनस के साइन पे टैप करके, तो मैं इन्हें करूंगा रिमूव। ऐड करने के लिए आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, ऐप्स, टूल्स और कॉन्टैक्ट्स, तो मैं यहां पे टूल्स में ऐड करूंगा स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डर। तो आप देखोगे आपने जो यहां पे प्लेस किया है ऐप, जिस तरीके से प्लेस किया है वही ऐप आपको यहां पे शो करेंगे। तो यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर को ऐड कर दिया है, तो आप 1 टैप में स्क्रीनशॉट को भी कैप्चर कर पाओगे इस तरीके से। अगर आप उनमें से जो अपने फोन को ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं, मतलब कि रात भर अपने फोन को चार्जिंग पे रखते हैं, तो ऐसे में आपके फोन में जो बैटरी है उसकी हेल्थ और लाइफ पे बुरा असर पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हो आपके फोन में बैटरी हेल्थ और बैटरी लाइफ लंबे समय तक अच्छी रहे, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी में, और यहाँ पे होगा ये ऑप्शन ऑप्टिमाइज चार्जिंग, आपको इसे ओपन करके इसे ऑन करना है। ओके कीजिए। इसे ऑन करने के बाद आपका फोन आपके चार्जिंग पैटर्न को लर्न करेगा, मतलब कि आप अपने फोन को कितने टाइम के लिए चार्ज करते हो, कब चार्ज करते हो। तो इसके बाद अगर आप जब भी अपने फोन को चार्जिंग पे प्लग इन करोगे तो आपका फोन 80% क्विक चार्ज होगा, लेकिन बाकी 20% ऑप्टिमाइज स्पीड से चार्ज होगा आपके फोन को चार्जिंग से अनप्लग करने के टाइम के हिसाब से।
दोस्तों तो ये थी वो 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना था आपके मोटो एच 40 नियो 5G में। इसके बाद आप काफी अच्छे से अपने फोन को यूज कर पाओगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।